दोस्तों नमस्कार, यहाँ बात करते हैं हम योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में, किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त हुआ जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा मानसिक रोग जो कोरोना से हो रहे हैं। मानसिक बीमार होते कोरोना से आज पूरा विश्व के साथ भारत भी मानसिक रोगों की गिरफ्त में है। इसका सबसे बड़ा कारण एकल परिवार है। लोग आज अपनी भागदौड़ भरी व्यस्त दिनचर्या के कारण अपने तक ही बिल्कुल सीमित हो गए हैं और बाकी कसर कोरोना नामक बीमारी ने पूरा कर दिया है, या ये भी कह सकते हैं कोरोना नामक बीमारी ने फिलहाल समाज को बिल्कुल अकेला कर दिया। दोस्तों, महानगरों में तो पहले से ही लोग अकेला अपने आप तक सीमित रहते थे, यानी अपनी पड़ोसी तक को सही रूप से नहीं जानते पहचानते थे। लेकिन दोस्तों, अब तो कोरोना के डर से और अधिक सब लोग खुद में सिमट कर रह गए हैं। कोरोना नामक बीमारी ने सबकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाला देश, जो हर जगह भीड़भाड़ एवं एक दूसरे के साथ सभी बहुत शारीरिक मानसिक रूप से बहुत करीब होते थे, जुड़े रहते थे जाने अनजाने में भी किसी भी परिस्थिति में, लेकिन कोरोना नामक वायरस ने सबको बिल्कुल अलग थलग कर दिया, सभी को घरों में समेट कर रख दिया, जिसका नतीजा हो रहा है अनेक प्रकार के मानसिक रोग, तनाव का बहुत बढ़ना, छोटे छोटे बच्चे बच्चों तक इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, उनका शारीरिक खेल खेलना तक बंद हो गया है। जो पार्कों एवं इधर उधर घूमते खेलते रहते थे, वे सब भी कोरोना के कारण चार दीवारी या घरों के अंदर कैद हो गए हैं, और यही हाल बुजुर्ग का भी है। और यहाँ अनेक विश्व के शोधों ने भी बता रहे हैं कि इस वायरस के कारण लोगों के घरों में कैद होने के कारण घरों में हिंसा के साथ अनेक प्रकार के मानसिक रोग पैदा हो रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आज आवश्यकता है लोगों को जागरूक होने की। शारीरिक नियमों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, मास्क पहनना आदि के साथ अब मानसिक रोगों से बचने के लिए आपसी बातचीत, मेल मिलाप के साथ आवश्यकता पड़ने पर मनोरोग विशेषज्ञ से सलाह लेकर उस सलाह के अनुसार चलकर और खुद अपनी दिनचर्या को आयुर्वेद के अनुसार चलकर उसमें लिखे नियमों को अपनाकर योग, प्राणायाम, ध्यान, पूजा, व्यायाम आदि भारतीय विधाओं को अपनाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवनीय ताकत बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपयोग में लाया जा रहा है, वैसे ही तनाव कम करने या मानसिक परेशानियों को कम करने के लिए भी अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों जैसे ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, अश्वगंधा, वच आदि को भी किसी न किसी रूप में लेना चाहिए। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और यहाँ सोचना चाहिए कि यह कठिन समय भी बहुत जल्दी हमारी ज़िंदगी से निकल ही जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लखेड़ा आयुर्वेद को और लेते रहिए आयुर्वेद योग स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।